बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित जो गलतियां हैं वो केवल छोटे बच्चे ही नहीं करते बल्कि बड़े लोग भी करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, जब आप अपने घर से बाहर या अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो बस या ट्रेन से तो जाते होंगे ना, और वो कहाँ रुकती है? बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर। यदि बस या ट्रेन इन दोनों ही जगह ना रुके तो आपको बहुत परेशानी होती है ना। इसी प्रकार से भाषा में, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा या दूसरी कोई भाषा, यदि बीच बीच में ना रुका जाए तो उसके अर्थ को समझने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि कहाँ रुकना है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आज का टॉपिक बताने जा रही हूं। और आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप। और चिन्ह का मतलब होता है निशान, और इसे क्या बोलते हैं? सिंबल या फिर मार्क। बच्चों, वाक्य को समझने के लिए या पढ़ने के लिए बीच बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, भाषा को पढ़ने और समझने में इन विराम चिन्हों का बहुत ही उपयोग है। विराम चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, तारक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, कोष्ठक और अर्ध विराम। ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं। लेकिन बच्चों, मैं आज आपको कुछ ही चिन्हों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जिस चिन्ह की बात करेंगे वो है पूर्ण विराम चिन्ह। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और ये देखिए, ये इसका मार्क है इंग्लिश में। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह से रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं।
उदाहरण, आज हमारी टीम का मैच है, हमारी बात खत्म हो गई ना, इसलिए हमने पूर्ण विराम का निशान लगा दिया। दूसरा उदाहरण है, मैं कल घूमने जाऊंगा। तो ये बच्चों हमारा कौन सा चिन्ह था? पूर्ण विराम चिन्ह। अब हमारा आता है अर्ध विराम चिन्ह, इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। अर्ध विराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अब जैसे पूर्ण विराम में तो हम पूरा वाक्य खत्म करने के बाद तब लगाते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा वाक्य होने से थोड़ा पहले ही खत्म हो जाता है तब लगाते हैं। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थिति में ही होता है, जैसे कल मेरे मित्र आए। अभी वाक्य हमारा फिनिश नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरह से हम घूमने गए, हमने खूब मजे किए, ये हम बीच में ही रुक रहे हैं ना। इसी तरह से मैंने परिश्रम किया है, रुके थोड़ा तो ये लग गया निशान, उसके बाद मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। अब ये पूरी बात हमारी खत्म हुई है तो हम फुल स्टॉप लगाए हैं। इसी तरह से अब जो चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वो है हमारा अल्प विराम चिन्ह, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोमा। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है तो वहां बच्चों हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जल्दी चलो, थोड़ा रुके ना, तो हमने कोमा का यूज किया या अल्प विराम का। बारिश होने वाली है, अब हमारी बात खत्म हुई तो हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगा दिया हमने। इसी तरह से नेहा, नैना और रीना पढ़ रही हैं, तो हमने नेहा के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया और उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह। अब है हमारा बच्चों क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कहीं पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह क्या है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरह से तुम कहाँ गए थे, तो ये भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। अब आता है हमारा लाघव चिन्ह, ये आता है हमारा लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन मार्क इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इस लाघव चिन्ह को संक्षेप चिन्ह भी बोला जाता है। बच्चों लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द के रूप में प्रयोग करें तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसका चिन्ह देखिए क्या है,
अब आपको ठीक से समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर को हम क्या लिख देते हैं, संक्षिप्त रूप में या शॉर्टकट में ये लिख देते हैं ना, तो ये लाघव चिन्ह है बच्चों। इसी प्रकार से जब हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न का प्र के बाद ये बना देते हैं, और इसी प्रकार से उत्तर में ऊ के बाद हम लाघव चिन्ह बना देते हैं। तो अब तक आपको ये बात नहीं पता थी, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि ये लाघव चिन्ह है। इसी प्रकार से टेलीविजन, टेलीविजन को हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, टीवी। तो बच्चों ये हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और लाघव चिन्ह के बारे में बताया है। बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि पूर्ण विराम में तो जब हमारी बात पूरी हो जाती है तब हम लगाते हैं इस चिन्ह को, और अर्ध विराम में जब हम पूर्ण विराम से थोड़ा पहले रुकते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, और अल्प विराम में हम बीच में जब थोड़ा रुक जाते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम चिन्ह में ज्यादा अंतर नहीं है। प्यारे बच्चों अब मैंने आज आपको ये पांच चिन्हों के बारे में बताया है, तो आप अब इसके अभ्यास करने के लिए इसकी परिभाषा को और इनके चिन्हों को सबसे पहले देखिए, उसके बाद पढ़िए, फिर समझिए और लिखिए। बच्चों आगे के चिन्हों के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बाय।